दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे आगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे, उस समय आपको दुनिया में तमाम लोगों से तमाम आलोचनाएं भी मिलेंगी। आपको सबसे अधिक परेशानी उसी समय होगी जब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपको जो है इन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपनी सारी ताकत, सारी मेहनत को अपनी सफलता के लिए फोकस कर देना है। जिस दिन आप सफल हो गए, सबसे पहले यही लोग आपके लिए ताली बजाने आने वाले हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, और इसी को एक दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकार से भी कहा जाता है कि जीतने का मज़ा तो तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, कभी भी लोगों के कहने पर अपनी जिद, अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, आपके टारगेट हैं, उसे कब अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ये आपके ऊपर है। जो गलतियाँ हो रही हैं उससे आपको सीखना है, अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखना है और कदम दर कदम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे अगर आप हौसला नहीं हारते हैं, आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को जस्ट अवॉइड देम और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख हो गई है 26 तारीख हो गई है, 26 जून है आज और दिन रविवार का है। तो जून भी समाप्त होने को है, जुलाई में आपकी फिर से मतलब कुछ परीक्षाएं जो पोस्टपोन हुई हैं वो परीक्षाएं फिर से आपके सामने आ रही हैं, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। काफ़ी लंबे समय से इसकी कोई नई अपडेट नहीं मिल रही थी, अब एक नई अपडेट जो आ रही है वो काफ़ी जो है चौंकाने वाली है कि मूल्यांकन में 20 नंबर तक का हेरफेर हुआ है। मतलब ये कि जो रिजल्ट इसके पहले जारी किया गया था नवंबर के महीने में आया था, अक्टूबर में परीक्षा हुई थी, तो अब वो रिजल्ट काफ़ी कुछ नए बदलाव के साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मूल्यांकन हुआ उसमें 20 नंबर तक का हेरफेर हुआ, ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए जो खबर है, पहले इसको देखते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सहायक अध्यापक के कुल 1504 पद और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर ये जो परीक्षा हुई थी, ये कब हुई थी आपको याद होगा, अक्टूबर के महीने में हुई थी। और इस पर जो रिजल्ट आया है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि 20 नंबर तक की हेरफेर देखने को मिली है। OMR सीट पर परीक्षा लेने के बाद कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से कापियों का मूल्यांकन किया गया। अब यहाँ पर तो गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं दिखती है, इसके बावजूद गड़बड़ी कहाँ से हो गई ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इसके बावजूद इतने नंबर का हेरफेर पूरी परीक्षा पर एक सवाल खड़े करता है। कम अंक मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई थी। तो 571 आपत्तियां जो आई थी उसमें 132 सही पाई गई। तो सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 नंबर तक का मिलने की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 8 जून को पूरे परिणाम को रिवाइज करने के लिए आदेश दे दिए हैं और परीक्षा की फिर से जाँच हो रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित जो परिणाम घोषित करने की उम्मीद जताई जा रही है, चूक न हो इसलिए मूल्यांकन के बाद एक बार फिर से परिणाम की जांच की जा रही है। तो ये वाकई एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि जब OMR सीट पर परीक्षा होती है और मशीन के द्वारा कापियाँ चेक कर की जाती हैं, तो उस दौरान ये खेल कहाँ से होता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPGT 2021 के पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को परीक्षा कराई थी, 15 नवंबर को इसका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, पुनर्मूल्यांकन के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के परिणाम में व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जो अभी तक आउट हैं, हो सकता है कि वो इस बार इन रहें। तो सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा में सम्मिलित कुल 271,066 अभ्यर्थियों में से 45,257 मतलब 16.69 और प्रधानाध्यापक के लिए सम्मिलित कुल 14,928 अभ्यर्थियों में से 1,722 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब ये सारे आंकड़े जो है ना वो चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाकई एक, मैं कितनी बार बोलूं कि ये जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और OMR सीट में और जब मूल्यांकन हो रहा है आपका मशीनों के द्वारा, उसके बावजूद बीच में किस प्रकार से खेल हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, ये वाकई जो है एक बहुत बड़ी बात है। गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई न होना भी एक चौंकाने वाली बात है।
कि 132 अभ्यर्थियों के अंक में गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई न होना आशाजनक है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने परिणाम में अनियमितता की शिकायत की थी। जानकारों की माने तो नंबरों में हेरफेर के मामले अधिक भी हो सकते हैं। इसके पहले 68,500 वाला जो शिक्षक भर्ती मामला था उसमें आपने देखा ही था, और उसमें तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबित भी किया गया था। मतलब ये कि यहाँ पर जो खेल है वो अभी तक जो है पूरी रूप से बंद नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट जरूर करती हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर आशा की एक किरण तो बनी रहती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इस प्रकार से फिर से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ती। इसलिए दोस्तों खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप अपनी मदद करेंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, तो नेचर भी आपकी मदद जरूर करेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं 6800 शिक्षक नियुक्ति को उप मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2021 की बात है ये, जब ये कहा गया था कि 17,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो है विज्ञापन शीघ्र जारी होगा, और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो गड़बड़ी सामने आई थी उसको देखते हुए 6800 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई थी, तो लिस्ट तो कोर्ट में चैलेंज हो गई थी, उस पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि जो लिस्ट जारी हुई है उस पर नियुक्ति भी हो सकती है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए आई 69,000 शिक्षक भर्ती में बाद में चयनित 6800 शिक्षक नियुक्ति न मिलने से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। नियुक्ति दिलाए जाने के लिए आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी शनिवार को प्रयागराज जाए उप मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों को उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। तो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो चयनित नहीं हो सके, क्योंकि रिजर्वेशन में बहुत सारे रिजर्व कैंडिडेट के उनमें गड़बड़ी हो गई थी, उनको जनरल कैंडिडेट्स को दे दिया गया था। बाद में इस पर संज्ञान लेते हुए 6800 पदों पर रिजर्व कैंडिडेट के लिए सूची जारी की गई थी जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और इसके बाद अभी जो अभ्यर्थी जिनका नाम इन 6800 की सूची में है उसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। और अब उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पर नियुक्ति जो है, यहाँ पर देखिए उम्मीद बंधी कि जल्द नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तब की बात है। तो यहाँ पर अब उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और देखिए बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी जाने वाली हैं भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, तो खास तौर से भारत में तो आने ही वाली हैं। पूरे भारत में लगभग 1,000,000 जो पद हैं वो भरे जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। तो विकास विभाग में BDO सहित अन्य रिक्त पदों पर बहुत जल्द भर्ती स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए आपको बता दें तो BDO के साथ साथ आपको कौन कौन से पद देखने को मिल सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पद, इसके अलावा ग्राम सचिव के पद होंगे, मनरेगा में भी कुछ संबंधित पद खाली हैं तो उस पर भी भर्ती हो सकती है, और इसके अलावा लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर के बहुत सारे पद अभी रिक्त हैं। ग्राम विकास के अन्य विभागों में भी अलग अलग तरह के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, और उप मुख्यमंत्री ने BDO के रिक्त पदों पर तैनाती का प्रस्ताव जल्द भेजने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ अन्य रिक्त पदों की सूची भी शासन को भेजने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी की होगी। और बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर योजना की प्रगति भी देखी है। फिलहाल फ्रेंड्स अब यही मान के लिए कि UP SSC से PET 2022 के बाद बहुत बड़ी संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं जहाँ पर कोई भी इस प्रकार की परीक्षा नहीं होती है वहाँ पर उसके पहले भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। मैं आप लोगों से खास तौर से कहूँगा कि स्टडी GK और करंट अफेयर पर फोकस करिए, क्योंकि एक साथ जब आप सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और हाँ, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जल्दी आपको जो है अभी मई और जून की जो आपको करंट अफेयर की PDF है वो अवेलेबल नहीं करवाई गई है, शीघ्र ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको जो है 2-4 दिन का समय और लगेगा। तो CUET के बारे में बात कर लेते हैं। UG SC ST विद्यार्थी भी अपलोड करेंगे प्रमाण पत्र। तो विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2022 के
ऑनलाइन आवेदन पत्र में SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं। इस कारण NTA ने ऐसे उम्मीदवारों से अपनी SC और ST सर्टिफिकेट अपलोड करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही वर्ग चुनने का निर्देश दिया है। तो NTA ने इसी के चलते CUET UG 2022 में शामिल होने के लिए नए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और पहले से आवेदन पत्र भर चुके छात्रों से आवेदन पत्र की त्रुटियों में सुधार करने का मौका 26 जून रात 11:50 तक बढ़ा दिया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सीनियर डायरेक्टर एग्ज़ाम डॉक्टर साधना परासर की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इस बात पर आप लोग फोकस करिएगा। और अग्निपथ के लिए युवाओं को अफसर भी करेंगे प्रेरित। तो अग्निपथ के लिए कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, इस पर एक विस्तृत वीडियो आज चैनल पर शाम तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय सेना में नई योजना अग्निपथ के तहत भर्ती शुरू हो गई है। अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को तैयार करने के लिए जिला स्तर से भी कोशिशें तेज हो गई हैं। इस योजना को लेकर भ्रांतियों को दूर करने के लिए DM संजय खत्री ने ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित की हैं। तो यहां पर जो संबंधित अधिकारी हैं, जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDO, SO, BU, CDPO आदि लोग हैं, जो लोग गाँव में जाकर युवाओं को इस योजना के बारे में जानकारी देंगे और अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बहुत जल्दी आपको जो है इसके बारे में जो भी डाउट्स हैं वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अर्धसैन्य बलों में नए सिरे से पद भरे जाएंगे। देखो यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार अर्धसैन्य बलों में रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू करेगी। अपनी ज़रूरतों को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबाव के बीच नई भर्तियों को लेकर अलग अलग प्रस्ताव और सुझावों पर सरकार चर्चा कर रही है। तो अर्धसैन्य बलों में लाखों की संख्या में पद खाली हैं। बीते कुछ सालों में जरूरत और स्वीकृत पदों की तुलना में भर्ती का आंकड़ा काफ़ी कम है। पिछले 4 वर्षों में CAPF कर्मियों यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सहायक कमांडेंट की भर्ती में गिरावट आई है। तो 1,29,000 पदों में से भरे गए मात्र 10,184 पद। और जैसा कि आप जानते हैं 2024 तक कुल 10 लाख पदों पर भर्ती की जानी है। इसके बारे में अभी जल्दी घोषणा की गई थी। तो इन भर्तियों को अगले 18 महीनों में पूरा किया जाएगा और इस कड़ी में अर्धसैन्य बलों में होने वाली भर्ती पर भी निगाह है। तो गौरतलब है कि फरवरी 2019 में केंद्रीय सशस्त्र बलों में 76,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया था। कुल 76,578 रिक्तियों में से 54,953 रिक्तियाँ कांस्टेबल पद के लिए थी। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी वैकेंसीज जो है अर्धसैन्य बलों के लिए भी देखने को मिलने वाली हैं। और आपको बता दें यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय में BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जो हैं वो जारी हो चुके हैं। और परीक्षा के बारे में बात करें तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपनी ID को लेकर जरूर जाएँ। ID में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर कार्ड में से कोई एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाइएगा। BEd प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तो अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, ताकि उनकी जो वहां पर जांच वाँच होनी है वो ठीक से हो सके। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लेखपाल भर्ती, PET, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम, UP पुलिस, REET आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। सभी टॉपिक पर कम्प्लीट आपको MCQs यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कल मॉडल पेपर नंबर 13 अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।